आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं विप्रो स्टॉक के बारे में। टेक्निकली देखेंगे तो विप्रो ही नहीं, ओवरऑल आईटी स्टॉक, सभी आईटी स्टॉक डाउन ट्रेंड में ट्रेड होते हुए दिख रहा है। और विप्रो स्टॉक को देखेंगे तो 415 के प्राइस पे ट्रेड हो रहा है और इस स्टॉक में डाउन प्राइस शॉर्ट टर्म में देखें तो 400 तक के लेवल्स को भी टच कर सकता है। जिस प्रकार से यूएस मार्केट के आईटी इंडेक्स नैसडेक में डाउन ट्रेंड दिखा है, इसी बीच एक रिपोर्ट आई है जेपी मॉर्गन के तरफ से और इसमें कहा गया है कि मार्जिन प्रेशर आईटी कंपनी में दिख सकता है और नेक्स्ट वन से लेकर के टू ईयर तक अर्निंग कंपाउंडिंग जो भी स्टॉक्स हैं उसमें काम नहीं करेगा। कुछ प्रमुख बातें कही गई हैं कि देयर इज सिग्निफिकेंट डाउनसाइड रिस्क फॉर आईटी कंपनीज, मार्जिन प्रेशर ऑफ फॉर आईटी कंपनी कुड लीड टू अर्निंग डिक्लाइंस, सी ऑन सपोर्ट ऑफ आईटी स्टॉक ऑन वैल्यूएशन फ्रंट, ऑन साइट विल हाइक अ लॉट ऑफ हायर द टाइम अराउंड 2x फ्रॉम द नॉर्मल के प्राइस से आईटी का देखेंगे तो जो खर्चा है वो लगभग दो गुना है। अर्निंग कंपाउंडिंग विल नॉट वर्क फॉर आईटी कंपनी फॉर नेक्स्ट 1 to 2 ईयर। इसका सिंपली मतलब ये होता है कि अगले कुछ समय के लिए ये स्टॉक अंडर परफॉर्म रहने वाला है। टेक्निकली शॉर्ट टर्म हमने देखा 432 के लेवल को ब्रेक करने के बाद हमने कहा कि इस स्टॉक में लॉन्ग रहना बिल्कुल भी एक सही स्ट्रेटेजी नहीं है। जो लोग भी शॉर्ट हैं इस स्टॉक में 428 के ऊपर के एसएल को फॉलो करेंगे फॉर टारगेट ऑफ 400, लेकिन इसके 22 वर्षा बाद ध्यान में रखेंगे कि अगर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आपने बाइंग करना है तो आईटी स्टॉक, केमिकल स्टॉक, ये कुछ सेक्टर हैं जिन्होंने मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं, वेल्थ क्रिएट किया है। इवन विप्रो ने भी बहुत सारे लोगों का वेल्थ क्रिएट किया है। तो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बाइंग ऑन डिप्स विल ये स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर लॉन्ग करने से इग्नोर करेंगे।